सेशन में भी आज हम आपको मास्किंग के में बता रहे हैं। मास्किंग अभी हमने आपको बताया, फिर से रिपीटेड कर रहे हैं। मास्किंग के लिए अभी हमने आपको बताया कि इमेज के ऊपर करते हैं, तो हम कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ से कोई इमेज इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको क्या बताते हैं कि फाइल में आके इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी। किसी भी इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को ले लिया हमने, इस इमेज को इंसर्ट कर लेंगे अपने स्टेज पे। इसकी साइज अब छोटी हो रही है, तो स्टेज के साइज के इक्वल करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्टेज की साइज के बराबर करने के लिए 550 × 400 होता है, और इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस भी हम 0 कर लेंगे। अब जब हम चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे, ये हमारा क्या होगा कि स्टेज के ऊपर ये इमेज पिक। दूसरी चीज, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, 50 तक की फ्रेम इंसर्ट कर देंगे। इस लेयर पे कोई मोशन वगैरह नहीं करना है, बस सिंपल की फ्रेम इंसर्ट किया है। दूसरी लेयर इंसर्ट करेंगे। अब इस लेयर पे हम चाहते हैं कि आपको हम इमेज के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप्स के करना चाहते हैं, शेप में देना चाहते हैं मास्किंग। यहाँ पे हमने सर्किल बना लिया, इंसर्ट किया की फ्रेम, F6 किया, इसको फिर हमने लाके इस फेस पे रखा, और यहाँ पे लाके इसको हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर शेप बना लिया। अगेन फिर से हमने F6 किया, F6 इसको उठा के लाया, यहाँ पे लाके हमने इसको डिलीट कर दिया, और फिर से क्या बना लिया हमने, सर्कल बना लिया। अगेन F6 करेंगे, तो वापस उठाएंगे, और इन दोनों फेसेस को हमें कैप्चर करना है। इसको लाके यहाँ पे डिलीट किया और रेक्टेंगुलर शेप में चाहते हैं देखना, ठीक है। अब जहां जहां पे हमने जो भी इंसर्ट किया, उसमें आगे क्या करना है आपको, तो मोशन की जगह पे हम शेप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे शेप दे, अगेन यहाँ पे भी आएंगे शेप, यहाँ पे भी आएंगे शेप दे, और लास्ट टाइमलाइन पे रखने के बाद आपको मास्क जैसे बता रहे हैं कि राइट क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर, और ऑप्शन हम क्या क्लिक करते हैं, मास्क को मास्क करते हैं, और इसको हम चेक करते हैं टेस्ट मूवीज को, आप देख सकते हैं।